उस दिन के बाद से और उस घटना के तुरंत बाद से स्थिति सामान्य हो गई है। पुलिस और प्रशासन के लोग काफ़ी जद्दोजहद के बाद स्थिति पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लिए हैं। सामान्य की तरह डेली की तरह गोरखपुर में आम चहल पहल है। कभी कहीं भी कोई दिक्कत देखने को उस दिन के बाद से अभी तक मिली नहीं। पुलिस प्रशासन के लोग काफ़ी मेहनत और सक्रियता दिखा रहे हैं, ऐसी स्थिति की पुनर्वृत्ति न हो ऐसे भी पुलिस के लोगों का प्रयास है और उस दिन के बाद से स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। आज तो देखा जाए तो पूरी तरह से मार्केट खुला हुआ है और गोरखपुर प्रशासन का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने पूरे मामले को इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया और आज लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था, इस तरह का कुछ विवाद भी हुआ था यहाँ पे। आज क्या पूरी दुकानें खुली हैं? हाँ, पूरी दुकानें खुली हैं, चहल पहल है और सब लोग आ जा रहे हैं। इसमें गोरखपुर प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। धारा 144 तो पूरे प्रदेश में है और गोरखपुर में भी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मतलब देखा जाए तो पूरा सौहार्द इस समय दिखाई दे रहा है। उस दिन थोड़ा सा माहौल बिगड़ा था, कुछ अराजक तत्व थे, लेकिन प्रशासन ने उसको बहुत बढ़िया से हैंडल किया और मतलब गोरखपुर प्रशासन की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और इस समय माहौल पूरी तरह से मतलब शांत है और सब लोग पता ही नहीं चलता है कि मतलब ऐसा कुछ हुआ था गोरखपुर में। गोरखपुर पुलिस को तो सबसे पहले बधाई देना चाहिए कि पूरे मामले को शांत करा दिया और अभी जो है पूरा मार्केट खुला हुआ है, पूरी चहल पहल है मार्केट में और जो भी उपद्रवित हैं वो हमें लगता है कि CAA और NRC के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी इसलिए सड़क पर आ गए थे और सब जो है 15 साल 16 साल 20 साल सब नौजवान थे जो भटक गए हैं और सड़क पर आकर पुलिस पे हमला, पत्रकारों पे हमला, इस तरीके के काम किए हैं, बहुत ही गलत काम किए। लेकिन अभी गोरखपुर की पुलिस को बहुत बहुत बधाई कि कम से कम पूरे शहर को शांति अमन चैन जो है उन्होंने कायम रखा है।